गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का क्या प्रभाव पड़े अंग्रेजों के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं और यहाँ का नक्शा बदल कर रख देता है। बात है 1917 की। बिहार के चंपारण के किसानों के समर्थन के लिए कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्प्रेरक से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन इसी गाँव से शुरू होता है। यहाँ जबरदस्ती किसानों को नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती जहाँ एक बार हो जाती है, वो भूमि बंजर हो जाती है। इसलिए किसान यह खेती नहीं करनी चाहती थी और फिर इसका साथ देता है महात्मा गांधी जी। इसके बाद इसी साल 1917 को गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल बर्बाद हो गई और फ्लू की महामारी फैल गई, जिस कारण यहाँ के किसान लगान चुकाने की हालात में नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेज लगान वसूलता था। यहाँ पर भी महात्मा गांधी जबरदस्त तरीके से एंट्री मारती है। फिर एक साल बाद 1918 में अहमदाबाद में सूती कारखाने के मजदूरों के वेतन में वृद्धि कराने के लिए सत्याग्रह चलाया गया। यह सब देखकर अंग्रेज सरकार 1919 में एक एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत भारतीय नेता या किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा बिना बोले 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। इस एक्ट को रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ऐसे अन्यपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अभियान चाहते थे। इसके समर्थन में बहुत सारे लोग पंजाब के अमृतसर में हड़ताल के लिए चले गए। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। फिर 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस पर अंग्रेज सरकार के सिपाहियों ने गोली चला दी। लोग बुरी तरह हिंसा पर उतर आए। अंग्रेज सरकार ने फिर एक लॉ लागू कर दिया। यह लॉ मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है। इस लॉ में ऑफिसर को ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। इस पद पर जनरल रहता था, जिसने भीड़ पर पाबंदी लगा रखी थी। इसी समय जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने आए लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आते हैं और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाती है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब हत्याकांड हो रहा था, तब एक इंडियन युवक उधम सिंह नाम का, जो यहीं पर मौजूद था, उन्होंने बड़ा होकर 20 साल बाद लंदन जाकर जनरल डायर को हत्या किया और इसका बदला लिया। गाइस महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन को भी विस्तार से जाना चाहते हैं और भी ज्यादा कंटेंट से जाना चाहते हैं, तो लाइक को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें।